अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम अगेन। आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटोस कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। पिछले लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था आइडियल स्टेट, थ्योरी ऑफ एजुकेशन एंड थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि एक और विजन था प्लेटो का। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि प्लेटो को थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म की क्यों नीड पड़ी और उनको ऐसी क्या चीज़ थी वो जो प्रिजर्व करना चाह रहे थे थ्रू द थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। अब आइडियल स्टेट बनाने के लिए उन्होंने आइडियल सिटीजन्स, आइडियल फिलोसोफर्स, आइडियल सोल्जर्स का इस्टेब्लिश किया। अब जो नेक्स्ट था, उन चीज़ों को प्रिजर्व करना कैसे था, तो थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म के थ्रू प्लेटो उन सारी चीज़ों की एसेंस को मेंटेन रखना चाह रहा था, प्रिजर्व करना चाह रहा था। उनको जितने भी सोशल एवल्स थे लाइक करप्शन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए प्लेटो ने थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म दी, क्योंकि उनको पता था कि एथेंस में जितने भी एम्पायर की डिक्लाइन हुई, डाउनफॉल हुआ, वो ड्यू टू लैक ऑफ जस्टिस हुआ। और जस्टिस क्या था, वहाँ पे सेंट्रलाइज नहीं थी और इंटरफेरेंस थी चीज़ों में, और करप्शन बहुत ज़्यादा होती थी, फेवरेटिज्म होता था, नेपोटिज्म होता था, एजुकेशन जितने भी थी वो एलाइट क्लास के लिए होती थी, और जो भी जहाँ पे भर्ती होते थे, एनलिस्ट होते थे, वो सारे आपके फेवरेटिज्म पे जाते थे। तो इन चीज़ों ने उन एम्पायर्स को डाउनफॉल की तरफ लेकर गए। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर ये कंक्लूड किया प्लेटो ने कि इन चीज़ों को अवॉइड कैसे करना है, कैसे एक ट्रांसपेरेंट फिलोसोफर्स किंग्स बनाने, कैसे एक जो ट्रांसपेरेंट सोल्जर्स को लाना है जिसमें कोई नेपोटिज्म ना हो और अच्छे से वो अपना काम फंक्शनल करें। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए प्लेटो ने कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म लाया था। इन शॉर्ट आप एक डेफिनेशन देख सकते हैं, व्हाट इज कम्युनिज्म। कम्युनिज्म अ गवर्नमेंट वेयर पीपल शेयर्ड वर्क फेयरली एंड वेयर paid equally. The word communism comes from Latin word communis, which means common or belonging to all. ये जो second phrase हमारे पास लगा हुआ है, communism comes from Latin word communis, which means common or belonging to all. तो प्लेटो का जो ये concept है communism का, ये इसी चीज़ पर revolve करता है, common or belonging to all. In simple आप प्लेटोस कम्युनिज्म को आप इस तरीके से एलाबरेट कर सके, रिजेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड सपोर्ट ऑफ कॉमन ओनरशिप। अब कॉमन ओनरशिप में हमारे दो कॉन्सेप्ट आते हैं। नंबर वन, एक जो प्रॉपर्टी होती होगी वो भी कॉमन होगी, एंड सेकंड जो फैमिली होगी, मींस के वाइव्स एंड चिल्ड्रंस, वो भी आपके कॉमन होंगे, उस पर कॉमन ओनरशिप होगी, वो कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रखेगा। ये स्पेसिफिकली दो क्लासेस के लिए थी, एक क्लास था आपका फिलोसोफर्स किंग्स वाला और दूसरा आपका था सोल्जर्स वाला, ये आपके एलाइट क्लास बना रहे थे, गार्डन क्लास में आते हैं दोनों। अब इसके थ्रू प्लेटो रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं जो ये होती हैं, एक आता है दो क्लास होते हैं कम्युनिज्म को प्लेटो डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड कम्युनिज्म ऑफ वाइज। अब कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है, इसमें प्लेटो ये रिस्ट्रिक्शंस लगाता है सोल्जर्स पे कि कोई भी आपका सोल्जर्स हो या फिलोसोफर्स किंग हो, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं कर सकता। उसके पीछे ये रीज़न होता है कि अगर एक सोल्जर है या फिलोसोफर्स किंग, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ओन करेगा तो उसके दिल में एक लस्ट आएगी, वो करप्शन करेगा, वो नेपोटिज्म की फेवर करेगा, तो वो ऑब्वियसली दैट विल करप्ट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी, तो कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी था। उसके बाद सेकंड आता है आपका कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स। इसमें ये होता है कि प्लेटो बोलता है कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स में ये होगा कि एक ग्रुप मैरिज होगा, एक वुमेन होगी या दो वुमेन होगी, वो सबकी वाइफ होगी। इसमें ये होगा कि उसके जो चिल्ड्रन होंगे वो स्टेट ओन करेगी, उसको नॉरिशमेंट, उसकी जो जो उसको पालना करना होगा, उसकी एजुकेशन होगी, वो सारा सिस्टम स्टेट करेगी। एंड सेकंड ये होगा कि वो जो बच्चा होगा वो किसी के ओनरशिप में नहीं आएगा, उसके लिए किसी भी फिलोसोफर किंग
या आपका सोल्जर किसी के दिल में एक ये चीज नहीं आएगी कि मुझे अपने बच्चों के लिए करप्शन करनी है, या मैं मुझे उनको फेवर देनी है, दूसरे क्लास जो आपका जो सिटीजन्स हैं उनके हक पे हाथ मारना कि ये मेरे बेटे को चाहिए, मेरा बेटा हो। एक ग्रुप मैरिज में ये होगा कि किसी भी बंदे को ये पता नहीं होगा कि ये बच्चा किसका है, और वो स्टेट ओन्ड होगा। जो सोल्जर है उनकी फैमिली नहीं होगी, उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो वो अच्छी तरह से अपने काम पे फोकस रह सकते हैं, इमोशंस लेस होकर काम कर सकते हैं, वो करप्शन नहीं करेंगे, वो अपने लिए कुछ बनाएंगे नहीं। तो ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था कम्युनिज्म के साइड पे। अब इसमें मेजर जो उसके साइड थी वो ये थी कि इसमें एक तो स्टेट करप्शन से फ्री रहेगी, उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी, दूसरी ये था कि थ्रू द कम्युनिज्म वाइव्स जो थी वो दे विल बी रियल फ्री। इट मीन्स के जो वुमेन थी वो फ्री होंगी इन रियल सेंस में, वो किसी की जो है ना सब सर्वेंट नहीं होगी, वो जिसकी होगी जहाँ पे भी होगी उसको टाइम देगी, बच्चे होंगे वो बच्चे उनके हाथ से चले जाएंगे, शी विल बी फ्री इन रियल सेंस। तो वुमेन इंडिपेंडेंट होगी, और अगर वुमेन इंडिपेंडेंट होगी तो वो आपके स्टेट अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर पाएगी। तो ये था आपका कम्युनिज्म। अब इस पे क्रिटिसिज्म भी आता है काफी सारे वेस्टर्न फिलोसोफर्स का, जो आपके एनलाइटमेंट एरा के फिलोसोफर्स था, और उन्होंने इसको क्रिटिसाइज इस तरीके से किया है कि अगर एक तरफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी करप्शन का बायस बनती हैं और नेपोटिज्म का है, तो दूसरी साइड उसकी पॉजिटिव ये है कि वो मोटिवेशन भी बनती है। बहुत सारे लोग अब प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी गेन करने के लिए हार्ड वर्क करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड फैमिली, अगर फैमिली में देखा जाए तो जो फैमिली होते हैं बच्चे होते हैं और मदर होती है, सिस्टर होती हैं, वाइफ्स होती हैं, वो एक मोटिवेशन होती है जिनके लिए बंदा दिन रात मेहनत करके काम करके उनको एक बेटर लाइफ देता है। तो इन रियल सेंस वो भी अपनी स्टेट के लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ये थी हमारी थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस एरिस्टोटल। टिल दैट अल्लाह हाफिज़।